हाँ उससे पहले मुझे याद आया मेरा एक और चैनल है हिज़्ज़ा लाइव स्टोरी, इधर ही है हिज़्ज़ा लाइव स्टोरी, तो आप उस पर भी जाएँ, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, उस पर आकर मेरी बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे से ज़्यादा व्यूज़ दें। व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है, जो जितनी मेरी वीडियो देखेगा उतना मेरा कैश बनेगा, तो आप जितना जाएंगे मेरी वीडियो वॉच करेंगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को सबको बोलें सब्सक्राइब करें, आपके से भी दुआ करूँ आपका भी कैश बने, आप मेरा बनाते रहे, तो फिर मिलती हूँ स्नैपचैट बना के हिज़्ज़ा लाइव स्टोरी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी मैं आपको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सारे, ठीक ठाक हैं, और आज आप देख रहे हैं मैं घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ, आवाज़ मेरी आ रही है सबको कि सब देख रहे हैं मैं आज कहाँ पे ब्लॉग बना रही हूँ, तो आज मैं आई हूँ चाइनीज़ खाने, ये रहा मेन्यू, और यहाँ इतनी फैमिलीज है, बहुत शोर है बच्चों का, तो क्या कहते हैं आवाज़ शायद आपको मेरी आ रही है नहीं आ रही, तो ये रहा मेन्यू, चिकन सैंडविच मंगाया है और मैंने मंगाया है चाउमीन, तो अभी 5 मिनट में आएगा, कॉफ़ी मंगाई क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा जाती हूँ ज़रा व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ खाने पीने, तो अभी मेरा खाना आता है, अभी यहाँ बहुत रश है फैमिली का, मैं आपको दिखाती हूँ, अच्छे बहुत हैं, ये देखें बच्चे कितना शोर कर रहे हैं सारे, क्योंकि आज संडे है ना, इसलिए बच्चों का ज़्यादा शोर है, तो अब फिर कल वर्किंग डे है, तो फिर ना सब बच्चे स्कूल वगैरह खुल गए, स्कूल जाएंगे, तो अभी वीडियो मैं बना रही हूँ, तो मैंने आप लोगों को बोलना था आप मेरे कानों को नोट करें, एक में मैंने पहना एक में नहीं पहना, क्योंकि पता नहीं क्यों ये ठीक ही नहीं हो रहा, तो मैंने इतनी कोशिश किया है, बरसात हुई ना तब से मेरा वो कान थोड़ा वो हो गया, मतलब उसमें आ ही नहीं रहा, मैं एक में पहन के आ रही, मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी एक में पहन लेती, कभी दो में पहन लेती, और फिर मैंने कहा इस साइड पे बाल कर लेती, तो अभी आता खाना तो देखते क्या आता है, तो इकबाल टाउन में आई हूँ, या इकबाल टाउन ही सॉरी कौन सी मार्केट है ये, हाँ गुलबर्ग मेन मार्केट में आई हूँ, रेस्टोरेंट है रिजवान बर्गर, आप भी यहाँ आए टेस्ट करें खाना कैसा है यहाँ का कैसा नहीं, तो अभी हम आपसे मिलते हैं खाने के टाइम। व्यूवर्स ये आ गया मेरा सैंडविच, अभी तो सैंडविच मंगाया, वो मज़े का, ये रहा सैंडविच के साथ जो ये सैलड आती है ना, ये बहुत मज़े की होती है, एक पानी की बोतल गरम, हाँ जी छोटी नहीं, तो व्यूवर्स मैं आपको ये मैंने साइड टेस्ट किया, ये सैलड बहुत मज़े की होती है, ये वाली ये मेरा सैंडविच नहीं है, मैंने रोब दिमा लिया, सैंडविच बहुत मज़े का, ये रहने से ये कोक कर दो एक ही और बस, अब मेरे चाउमीन भी आ गया आप लोगों को वो भी दिखा दो, चाउमीन के साथ इन्होंने ये ग्रेवी दिया, बहुत ही टेस्टी है, टिश्यू नहीं है, थोड़ी नीचे लगने की स्मेल आ रही है, जैसे जल नहीं जाते वैसे, बहुत दिनों से दिल करता है चाउमीन खाऊं, पर वो वाला चाउमीन खाऊं जिसमें आलमंड भी होता है, पर वो हमारा दूसरा रेस्टोरेंट है वहाँ से मिलते हैं, पर मैं वहाँ गई नहीं, मैं यहाँ आ गई, अब शायद नजर आऊँ पूरी, अब थोड़े बच्चे कम हुए, शोर कम हुआ, पीछे जो फैमिली आई थी ना वो उनके बच्चे ज़्यादा थे, वो शोर कर रहे थे खेल रहे थे, नूडल्स भला खाने का क्या तरीका है, ऐसे ऐसे खाते हैं नूडल्स, ये देखा फिर मेरी साइंस, नूडल्स खाने का ये तरीका नहीं है, ये फिर से बताओ, ऐसे ही है तो आप लोग भी बताएं, मुझे तो ऐसे ही पता है, आप लोगों को कैसे पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, एक्सक्यूज मी टिश्यू पेपर मैंने कहा मंगा लूं, मेरे सैंडविच खाना मेरे हाथ गंदे हो गए, फिर वो बालों पे लग जाएंगे,
टिश्यू पेपर ला दो। कोक मंगा ही नहीं गई, रहा नहीं गया, मंगा ही लिया। सैलेड सारी खा ली। तो व्यूअर्स यही था ब्लॉग। ओए मैं थोड़ी स्नैपचैट बना लूँ फिर आपसे मिलती हूँ जाते वक्त। तो व्यूअर्स हमने खा लिया खाना, अब जाने की तैयारी हो रही। खाना पैक कराया थोड़े चाउमीन मैंने, और सैंडविच भी बच गया था। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पे आई हूँ। ये रहा, चाइनीज़ भी मिलेगा, देसी भी मिलेगा आपको, और पिज़्ज़ा भी मिलेगा, फास्ट फूड भी मिलेगा। ये रहा, तो हमने अपनी गाड़ी लगाई है, शर्मा भी मिलेगा आप। ये रही मेरी गाड़ी, अब गाड़ी में बैठ के तो हम जाने लगे हैं। मेरा पान खाने को भी बहुत दिल कर रहा है। सारी गुलबर्ग मेन मार्केट है। ये देखें रिजवान टिक्का एंड कढ़ाही, रिजवान टिक्का एंड कढ़ाही, वो रिजवान बर्गर, चाइनीज़ भी मिलेगा। चलते हैं घर, घर जाके मिलते हैं आपसे। तो मैं बैठने लगी हूँ गाड़ी में। व्यूअर्स तो मैंने कहा रास्ते में सेब नज़र आया तो यही ले लेते हैं। तब अंकल जी से हम सेब ले रहे हैं 2 किलो, इसका जूस निकाल कर पीऊँगी फ्रेश फ्रेश। बताना चाहिए था या नहीं चाहिए, पर मैंने बता दिया। ये यहाँ पे और भी फल वाले हैं। मुझे अभी प्यास लग रही है बहुत ज़बरदस्त, दिल कर अब पानी पीऊँ एक सांस में। अंकल जी खराब ना डालना, कोई काना या गला वाला डालना, हाँ सही वाला डाले, क्योंकि अब ये 2 किलो एकदम से तो ना खाए जाएंगे, एक दिन 3-4 दिन लगेंगे, तो काना जो होता है वो फिर ख़राब ही हो जाता है पड़ा पड़ा। ये लो 2 किलो से ज़्यादा ही। छोटा दाना डाल दे, इतना बड़ा बड़ा ना डाले। हाँ छोटे छोटे दाने डालें। तो व्यूअर्स ले रही हूँ ये से, तो इधर भी लगे हुए हैं, ये वाले थे लेकिन मुझे ये अच्छे लगे, तो फिर घर जाके आपसे मिलते हैं। व्यूवर्स तो मैं आ गई हूँ घर, बहुत सांस चढ़ गया, सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, तो अभी चेंज करके सो जाऊँगी। तो आज का व्लॉग मेरा यही था, हमने लाइक सब्सक्राइब शेयर करना वीडियो को आगे से आगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।